Hey guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on distillation chapter. So today we will cover about the volatility, relative volatility, Henry's laws. For my previous video on distillation, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. So let's talk about the volatility of the component. So basically volatility hota kya hai ki volatility of any substance in a solution may be defined as the equilibrium partial pressure of the substance in the vapor phase divided by the mole fraction of the substance in a solution. तो वे जो partial pressure वो create कर रहा है vapor phase में वो divided by the mole fraction of the substance is called as the volatility. एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास में ये सब्सटेंस है कोई भी दो लिक्विड का मिक्सचर जिसमें कि आपको ये सब्सटेंस है तो वो जो पार्शियल प्रेशर क्रिएट कर रहा है दैट इज़ पी ए एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज इन द मिक्सचर इज एक्स ए ऑन मोल फ्रैक्शन स्केल सो द वॉलेटिलिटी ऑफ ए दैट इज़ वी ए मे बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज सो वी ए इज द वॉलेटिलिटी of A component, so the partial vapor pressure of A divided by the mole fraction of A in a solution. So partial vapor pressure ko apan ne kaise dikhaya tha, that is denoted by the PA. So partial vapor pressure PA upon me mole fraction of that A component, to XA. तो ऐसे आप volatility निकाल सकते हो किसी भी compound की. फिर बात करते हैं relative volatility की. So basically रिलेटिव वॉलेटिलिटी जो रहता है उसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं तो वॉलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय वॉलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट बी सो दैट इज़ द रिलेटिव वॉलेटिलिटी रिलेटिवली यू कैन यू आर कैलकुलेटिंग द वॉलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी सो यू हैव टू डिवाइड द वॉलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट ए विथ द कंपोनेंट बी सो वी ए अपॉन वी बी दैट इज़ द वॉलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट ए एंड वॉलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट बी तो ऐसे आप रिलेटिव वॉलेटिलिटी निकाल लेते हो तो सिंस अगर टोटल वॉलेटिलिटी की बात करते हो तो दैट इज़ वी इक्वल्स टू पी दैट इज़ द पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाई एक्स इज़ द मोल फ्रैक्शन तो अब इस वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट कर लीजिए दैट इज़ द रिलेटिव वॉलेटिलिटी में तो बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वॉलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट ई डिवाइडेड बाय वॉलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट बी सो अल्फा इक्वल्स टू जैसे कि आपने पीछे देखा था दैट इज़ पी ए अपॉन एक्स ए सो हियर यू कैन राइट इट एज अ पी ए अपॉन एक्स ए दैट इज़ द वॉलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय कंपोनेंट बी सो पी बी डिवाइडेड बाय एक्स बी सो बाय ट्रांसफरिंग द डिवाइडेड पोजिशंस तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा इक्वेशन पी ए एक्स बी डिवाइडेड बाय पी बी एक्स ए सो अकॉर्डिंग टू द डॉल्टन्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी मे बी एक्सप्रेस्ड एज दैट इज पी ए इक्वल्स टू वाई ए पी और पी बी इक्वल्स टू वाई बी पी तो डॉल्टन्स लॉ बोलता क्या है डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर स्टेट दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाई ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेज मे बी कंसिडर्ड एज सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाई ईच गैस इफ अलोन वी आर प्रेजेंट एंड ऑक्यूपाइड द टोटल वॉल्यूम तो ये जो रहता है आपका एज इट इज़ आपका जो राउट्स लॉ रहता है वैसा का वैसे ही है तो सिंपली क्या बोला है इसने कि जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है जो भी आइडियल गैसेस का मिक्सचर है उसमें जो टोटल प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो ये क्या होता है दैट इज़ द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाय ईच गैस तो हर एक गैस से कितना पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो दैट इज़ द डॉल्टन्स लॉ सो पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू वाई ए पी पी बी इक्वल्स टू वाई बी पी तो वाई ए जो रहेगा आपका दैट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड वाई बी इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर स्टेट जब वेपर स्टेट में आता है इसलिए इसको अपन ने वाई से डिनोट करा है वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन की बात करते तो वाई से डिनोट करते हैं और मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट की अगर बात करते हैं सिंपली नॉट इन द वेपर फेज तो उसको एक्स से डिनोट करते हैं तो और पी जो है आपका क्या है वो टोटल प्रेशर है टोटल प्रेशर ऑफ द वेपर सो रिलेटिव वॉलेटिलिटी मे बी एक्सप्रेस्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी ए एंड पी बी इन द अबव इक्वेशन तो पी ए और पी बी की वैल्यू अगर अबव इक्वेशन में आप प्लेस कर दोगे तो जो रिलेटिव वॉलेटिलिटी की जो इक्वेशन होगी वो कैसे हो जाएगी दैट इज अल्फ़ा ए बी क्योंकि दोनों की बात करें अपन रिलेटिव वॉलेटिलिटी में तो अल्फ़ा ए बी इक्वल्स टू
वाई ए पी मल्टीप्लाई बा जो ये वाली पी ए है उसकी ये वैल्यू रखनी है और पी बी जो है उसकी ये वैल्यू रखनी है आपको। तो वाई ए पी मल्टीप्लाई बाई एक्स बी डिवाइडेड बाई वाई बी पी मल्टीप्लाई बाई एक्स ए, तो ये आपकी रिलेटिव रिलेटेड की इक्वेशन आ जाती है। तो अब इसको एग्जांपल से अगर समझना है तो फॉर एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर इज हैविंग अ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 101.31 किलो पास्कल। दिस लिक्विड कंटेन 0.40 मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड द इक्विलिब्रियम वेपर कंटेन 0.729 मोल फ्रैक्शन है। तो जो एक्स ए की वैल्यू है, जो ए लिक्विड है, तो ए लिक्विड को आप मानो दैट इज़ द योर एक्स ए। सो एक्स ए के थ्रू जितना मोल फ्रैक्शन है वो कितना है 0.4 है, और वाई ए का जो है वाई ए जो है आपका दैट इज़ द वेपर मोल फ्रैक्शन, वेपर जो मोल फ्रैक्शन है वो है आपका ए कंपोनेंट का 0.729। और जो एक्स बी रहेगा तो आपको मालूम ही है कि दोनों का जो मोल फ्रैक्शन को अगर प्लस करते हैं तो 1 आता है। तो अब 0.4 में से 1 में से अगर 0.4 माइनस करोगे आप तो एक्स बी की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 0.6 हो जाएगी। वैसे ही अगर वाई ए जो है आपका 0.29 है तो 1 में से अगर 0.729 अगर आप माइनस करोगे तो वाई बी जो रहेगा वो कितना हो जाएगा दैट इज़ 0.271 हो जाएगा। तो रिलेटिव वोलेटिलिटी जो रहेगी आप सारी इक्वेशंस की जो इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज़ अगर पुट करोगे आप तो रिलेटिव वोलेटिलिटी निकल जाएगी। तो दैट इज़ 0.279 वाई ए मल्टीप्लाई बाय आपका एक्स बी आता है, तो दैट इज़ 0.60 डिवाइडेड बाय वाई बी मल्टीप्लाई बाय एक्स ए है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिलेटिव वोलेटिलिटी जो रहेगी वो कितनी निकलेगी आपकी 0.035 निकलेगी। तो समटाइम्स रिलेटिव वोलेटिलिटी में चेंज विथ कॉन्सेंट्रेशन स्पेशली इफ द बाइनरी सोल्यूशन डू नॉट ओबे द राउट्स लॉ। तो ये कंडीशन कब फॉलो होगी, जब आपका जो मिक्सचर रहेगा वो राउट्स लॉ को फॉलो करेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस आ सकते हैं जब आपका राउट्स लॉ अगर फॉलो नहीं करता है। तो रिलेटिव वोलेटिलिटी जो रहेगी आपकी बेसिकली वो चेंज हो सकती है। सो हाउ एवर मिक्सचर दैट ओबे राउट्स लॉ शो ओनली अ स्ट्रेट चेंज इन द रिलेटिव वोलेटिलिटी विद अ कॉन्सेंट्रेशन वेरिएशन। तो कॉन्सेंट्रेशन में जब भी वेरिएशंस आते हैं तो आपका स्ट्रेट लाइन से शो होता है अगर वो भी रिलेटिव वोलेटिलिटी अगर शो कर रहा है या फिर मतलब राउट्स लॉ को ओबे कर रहा है तो वो क्या करेगा कि आपका एक तरीके से स्ट्रेट लाइन शो करेगा। नेक्स्ट इज़ द हेनरीज लॉ। सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ओवर अ सोल्यूशन इज प्रपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, सो हेनरीज लॉ ने क्या बोला था कि जो भी पार्शियल प्रेशर है एक कंपोनेंट का ओवर अ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड। सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पार्शियल प्रेशर दैट इज़ पी ए ऑफ कंपोनेंट ए, द नेक्स्ट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड, दैन सी इज़ द हेनरीज कॉन्स्टेंट। सो एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर वेरिएट करेगा तो ये भी हेनरीज लॉ का जो कॉन्स्टेंट है वो भी वेरी करेगा। सो सी इज़ द हेनरीज कॉन्स्टेंट। सो राउट्स लॉ इज असेंशियली अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ वेयर द कॉन्स्टेंट सी इन इक्वेशन इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। तो बिल्कुल एकदम ये भी एक कैसे रहता है आपका राउट्स लॉ की तरह ही होता है। तो इसमें बेसिकली जो सी रहता है वो आपका कांस्टेंट रहता है और जब भी वो देखा जाएगा तो सी बेसिकली कुछ नहीं है, वो क्या है प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज। इफ यू लाइक माई वीडियोज देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज एज मच एज यू कैन विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।